लोनी थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में राम रहीम मार्केट के पास नेहरू पार्क के नाम से खाली पड़ी सरकारी जमीन जो 2000 वर्ग गज जमीन थी, जिस पर भू माफिया ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर लोनी उपजिला अधिकारी प्रेम रंजन और ईओ डॉक्टर डी के राय लोनी नगर पालिका की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। वही उपजिला अधिकारी ने बताया कि जिन माफियाओं ने कब्जा किया था उन पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। देखिए, जो नेहरू पार्क का इशू है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू था, तो मामला हाईकोर्ट में गया था। तो कोर्ट ने डीएम को आदेश किया था इस मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए। तो सभी पक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी थी हमारे माध्यम से, तहसील के माध्यम से डीएम के पास में। जैसे जीडीए ने अपनी बात रखी थी, नगर पालिका ने रखी थी, जिसने कब्जा किया उसने अपनी बात रखी थी, और जो पक्षी पार्टी थी उन्होंने अपनी बात रखी थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने ये आदेश पारित किया था कि जो नेहरू पार्क का पूरा एरिया है उसमें से 2000 वर्ग मीटर जो है वो एलएमसी की ज़मीन है, जो कि नगर पालिका की ज़मीन थी, और बाकी जो ज़मीन है वो काश्तकारों की ज़मीन है। तो जो 2000 वर्ग मीटर एलएमसी की ज़मीन है उसमें नगर पालिका को उन्होंने आदेश किया था कि इससे जो है कब्जा हटाया जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने उसमें एक टीम बना के, जो अपने नगर पालिका के ईओ हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बना के उससे कब्जा हटाया गया है, और बाकी जो ज़मीनें हैं उसमें अभी यहाँ से नोटिस इशू किया जाएगा सभी काश्तकारों को, ताकि वो अपनी अपनी बात यहाँ पे रख सकें। प्रॉपर एसडीएम कोर्ट में उसकी सुनवाई चलेगी, और जिसका भी अभिलेखों के आधार पे जिसका भी नाम पाया जाएगा उसको पैमाइश करा के एज पर डीएम ऑर्डर उसको उपलब्ध कराया जाएगा। सर, वो जो 2000 वर्ग गज जगह छोड़ी गई है उसमें सर आगे क्या हो? नहीं, वो तो बड़ा अच्छा है, 2000 वर्ग मीटर स्पेसिफाई हो गया कि वो नगर पालिका की ज़मीन है। तो अभी ऐसा सुझाव आया है कई लोगों से कि उसमें कुछ होना चाहिए, तो मैंने सोचा है कि अभी एक पत्र लिखूंगा नगर पालिका को कि उसको हम लोग प्रॉपर पार्क के रूप में डेवलप कर सकें, उसमें खेलने कूदने की व्यवस्था हो, फूल पौधे लगें, ताकि बच्चे जो आसपास जो इससे वो हो गए हैं पार्क ना होने की वजह से, तो उनको कुछ उसमें एडवांटेज मिले। तो एक पत्र लिखा जाएगा, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है आगे कार्रवाई होगी। सर, अगर उसे दोबारा से घेरा गया सर जगह को? नहीं नहीं अब तो पहले कभी जिलाधिकारी महोदय का कोई आदेश नहीं हुआ था इस मामले में। ये अलग अलग जगह से अलग अलग आदेश होता था। जीडीए कोई बात कहता था, नगर पालिका कोई बात कहती थी, तहसील कोई बात कहती थी, तो सबका अलग अलग एक उसमें वो रहता था, अपना मत रहता था। लेकिन अब चूंकि जिलाधिकारी के पास सभी लोग अपना बात रख चुके हैं और उसके बाद आदेश हुआ है, तो ये आदेश ही जो है सर्वमान्य होगा, अनटिल अनलेस की कोई अगर कोर्ट इनके आदेश को चैलेंज करे। तो सर, किसी पे कार्रवाई? हाँ, इस मामले में जो इसमें कब्जेदार हैं उनके खिलाफ FIR भी नगर पालिका की तरफ से हुआ है, कल ही FIR हुआ है थाना लोनी।